अस्सलामुअलैकुम, दुआ करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज भी केएमसी ने रूस की बुनियाद पर पंजाब जात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं और आज हम आपको अपडेट दे रहे हैं सोल्जर बाजार के अतराफ और नेशनल रोड के अतराफ केएमसी एंटी करप्शन टीम की पंजाब जात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फुटपाथ और सर्विस रोड पर मौजूद हर किस्म की तजावीज़ात को यहाँ से रद्द करने का अमल जारी है। आज 20 जुलाई 2023 और जमेरात का दिन है। यहाँ पर कुछ घंटे पहले रोड ट्रैफिक का अमल भी किया गया है, तो उसके साथ साथ यहाँ तजावीज़ात के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े लोहे के काउंटर जो मुस्तकिल बुनियादों पर, फुटपाथों पर और सर्विस रोडों पर मौजूद थे, उनको बजर या लिफ्टर केएमसी के ट्रक में लोड किया जा रहा है। इलाका भी कितना खुला खुला हो गया है, काउंटर वगैरह यहाँ से हटाने के बाद खुला एरिया लग रहा है। मजीद काउंटरों को सब करने का अमल जारी है। ये आप देख सकते हैं रोड के और फुटपाथ के ऊपर ये टेबलें वगैरह लगाई गई हैं, ये सामान भी सब किया जा रहा है। और दूसरे ये कि केएमसी को चेक एंड बैलेंस भी करना चाहिए। बात ऐसा होता है, एक तरफ इंक्रोचमेंट की जाती है, उसके चंद घंटों के बाद दोबारा ही सामान जो है उसी तरीके से फुटपाथों पर आगे लगा दिया जाता है, तो इस बात की भी केएमसी को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि ये सामान वगैरह दोबारा ना लगे फुटपाथ और सर्विस रोड पे। आप देख सकते हैं ये पकवान सेंटर है और इसके आगे ज़्यादा सामान रखा हुआ है, इसका भी सामान यहाँ से जब्त किया जा रहा है। तो बात वही आती है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और इसको चेक करते रहना चाहिए कि जहाँ पर इंक्रोचमेंट का खात्मा किया गया है वहाँ दोबारा इंक्रोचमेंट ना हो। अब ये ठेले वगैरह जो है ये मुस्तकिल बुनियादों पर ही आप देख सकते हैं फुटपाथ पर मौजूद थे। इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी तादाद पर ठेले खड़े हुए थे रोड सर्विस रोड के ऊपर, तो इनको यहाँ से हटाने का बोला गया है और ये यहाँ से ठेले लोग हटा रहे हैं, अपने लेके जा रहे हैं ताकि रास्ता क्लियर हो। तो दोस्तों, ये थी सोल्जर बाज़ार और नेशनल पार्क के अतराफ तजावीज़ात के ख़िलाफ़ केएमसी की कार्रवाई। यहाँ से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।